हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट दास ग्रेड के 19th लेक्चर पर, जिसमें स्टूडेंट डिस्कस करेंगे अपने करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। और ये पूरा का पूरा वीडियो स्टूडेंट डेडिकेट रहेगा मार्च मंथ के लिए। इस पूरे वीडियो में अपने मार्च मंथ में जितने भी करंट अफेयर हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने जनवरी और फरवरी दोनों का इंडिविजुअल करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बनी है दास ग्रेड के नाम से, आपको सारे के सारे लेक्चर वहां मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर स्टूडेंट। इसमें कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इजी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के किस विंग कमांडर को भारत को सौंपा? तो अभिनंदन वर्धमान को सौंपा था, काफी चर्चा में रहा था ये। नेक्स्ट है, 1 मार्च 2019 को किस मंत्रालय द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश जारी किया गया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश जारी किया गया? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश जारी किया गया। नेक्स्ट है, 1 मार्च 2019 को IRCTC, आपको पता है कि एक ऐप है रेलवे टिकट बुक करने के लिए, ने किस नाम से अपना डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया? तो RICTC iPay के नाम से गेटवे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 1 मार्च 2019 को जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 47वें स्थान पर है। आपको पता है कि इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रट लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1 मार्च 2019 को जारी दुनिया की 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में शामिल एकमात्र एशियाई कौन है? तो वह है मुकेश अंबानी, 8वां स्थान है इनका। नेक्स्ट है, 1 मार्च 2019 को अबू धाबी में आयोजित इस्लामी सहयोग संगठन, या कह सकते हैं कि इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के पूर्ण सत्र में पहली बार विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल भारत से कौन हुआ था? तो हुई थी भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हुई थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस गेल बने हैं, और इसी टूर्नामेंट के साथ उन्होंने एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 39 छक्के मारे थे इंग्लैंड के टूर्नामेंट के खिलाफ। वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कस करेंगे। वियतनाम में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया प्रणय कुमार वर्मा को। किसको? प्रणय कुमार वर्मा को, वियतनाम में भारत की ओर से राजदूत हैं। नेक्स्ट है, 2019 के मध्य किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति, आपको रखना याद है संप्रीति, किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया हसमुख अधिया को, बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये। नेक्स्ट है, उड़ीसा का पहला लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजीत सिंह को ये नियुक्त किया गया है, ओडिशा का पहला लोकायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है, 3 मार्च 2019 को दुबई टेनिस चैंपियन जीतकर 100वां सिंगल्स जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दुबई टेनिस चैंपियन जीतकर 100वां सिंगल्स जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? वो बने हैं रोजर फेडरर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना था कि 100वां सिंगल इससे पहले किसने जीता है। नेक्स्ट है, किसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसी टूर्नामेंट में उन्होंने अपने 500 छक्के पूरे किए थे, 39 छक्के लगाए थे इंग्लैंड के खिलाफ क्रिस गेल ने। नेक्स्ट है, कौन सा देश IEA बायो एनर्जी नामक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन का 25वां सदस्य बना? तो भारत बना है, कौन बना है? भारत। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया भगवान लाल साहनी को। किसको? भगवान लाल साहनी को। नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस जो 3 मार्च को मनाया जाता है किस विषय के साथ पूरे विश्व में मनाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेंचुरी पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है DSSB की ओर से, तो आपको याद रखना है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है, और इसका जो सब्जेक्ट था वो था लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट। क्या था? लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट। नेक्स्ट है, 4 मार्च 2019 को अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ
एरोनॉटिकल्स एंड एरोनॉटिकल्स ने 2019 के मिसाइल सिस्टम अवार्ड से किसे सम्मानित किया, तो DRDO को सम्मानित किया गया। तो आपको पता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी मैं आपको दो बार करा चुका हूँ, जो इसके अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 4 मार्च 2019 को रूस आधिकारिक रूप से किस देश के साथ परमाणु शक्ति संधि INFT ट्रीटी से अलग होने का फैसला किया है, तो अमेरिका से अलग होने का फैसला किया है। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रूस आधिकारिक रूप से किस देश के साथ परमाणु शक्ति संधि से अलग होने का फैसला कर रहा है, तो अमेरिका से। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस देश के साथ GDP खत्म करने का फैसला किया है, तो भारत के साथ किया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ किया, तो गुजरात के गांधीनगर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, योजना पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया, गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में बोल्ड क्विट एक सीमा सुरक्षा संगठन लागू किया, तो असम में किया गया था। ठीक है, एक तरह से ये इलेक्ट्रिक मतलब बिजली के तरीके से या इलेक्ट्रिक वे से ये निगरानी रखेगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो मध्य प्रदेश के इंदौर को प्रयुक्त किया गया। ठीक है, जो ये प्रदान किया गया पुरस्कार सबसे स्वच्छ। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट है स्टूडेंट, 6 मार्च 2019 को फोर्ब्स द्वारा जारी की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं, तो 13वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट है, किस कंपनी द्वारा बोलो ऐप शुभारंभ किया गया, शुरू किया गया, गूगल ऐप द्वारा, तो बोलो ऐप एक तरह से बच्चों को हिंदी और इंग्लिश सीखने के लिए सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है, 2019 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य बना, तो मलेशिया बना है, 124वां सदस्य है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, 2019 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा अब तक की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित अरबपति के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया, तो काइली जेनर को नियुक्त किया गया। किसको, काइली जेनर को सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित अरबपति के रूप में नियुक्त किया गया है या नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट है, 7 मार्च 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो जन औषधि दिवस मनाया गया, कौन सा, जन औषधि दिवस। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नई गुडविल अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नई गुडविल अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय अमेरिका पद्म लक्ष्मी को किया गया है। नेक्स्ट है, प्रीत्ज़कर पुरस्कार 2019 किसने जीता, तो जापानी आर्किटेक्चर अराता इसोजोकी ने जीता था। नेक्स्ट है, WHO ने यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसको मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया है, तो भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा शोधकर्ता सौम्य स्वामीनाथन को मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया है WHO का। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमनम राजशेखरन ने किस राज्य के राज्य पद से इस्तीफा दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मिजोरम से दिया है, तो किसने दिया है, कुमनम राजशेखरन जो कि मिजोरम के राज्यपाल थे उन्होंने इस्तीफा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मार्च 2019 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज, अभिमान थीम बैलेंस फॉर बेटर थीम। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितना कनेक्शन प्रदान किए गए, 7 करोड़ प्रदान किए, कितने, 7 करोड़। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 7 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो उसाफ सईद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 9 मार्च 2019 को केरल के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतन के रूप में या GI टैग के रूप में मतलब चुना गया, तो म्यूर गुड़ को चुना गया, मयूर गुड़ को, जो कि गुड़ की एक किस्म है। नेक्स्ट है, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो सुभाष चंद्र गर्ग को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किसको सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से नवाजा है, जापानी महिला काने तनाका को सबसे बुजुर्ग महिला के रूप में मतलब सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, 2019 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी विधेयक को मंजूरी दी है, तो मिजोरम में दी गई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 2019 को किस देश के बोइंग
737 विमान दुर्घटना में 157 यात्री और चालक दल के 8 सदस्य की मौत होगी, तो इथोपिया के हुई थी, ठीक है। बोइंग 737 जिसमें 157 यात्री और चालक दल के 8 सदस्यों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट है, 10 मार्च 2019 को फिनलैंड के हेलसिंकी में संपन्न 38वें जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत की ओर से किसने स्वर्ण पदक जीता, तो कविंदर सिंह बिष्ट ने जीता था। नेक्स्ट है, 17वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव के तारीखों की घोषणा के रूप के तहत चुनाव कितने चरणों में होगा, 7 चरणों में होगा, ये तो हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 10 मार्च 2019 को किसने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या CISF ने मनाया था। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, 10 मार्च 2019 को संपन्न ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो पुरुष का तो जीता था केंटो मोमोटा ने जो जापान के हैं, और जो नेक्स्ट है महिला का खिताब वो जीता था चेन यूफेई ने जो कि चीन की हैं। नेक्स्ट है, फिलिस्तीन के नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है, तो मोहम्मद शातेह को नियुक्त किया गया है फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत ने किस गाइडेड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया, तो पिनाक गाइडेड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट, किसे भांबा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निर्देशक नियुक्त किया गया, तो किया गया था अजीत कुमार मोहंती को। बारबी रोल मॉडल के रूप में किसे चुना गया, तो भारतीय जिम्नास्ट दीपा करमारकर को चुना गया था, ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नागाहा थर्ड 2019 किन दो देशों के बीच शुरू हुआ, तो ओमान और भारत के बीच में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिजोरम का पहला लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो सी लाल साबता को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की, तो उत्तराखंड ने की थी मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, जो कि उत्तराखंड द्वारा शुरुआत की गई एक योजना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता, तो जीता था भारत ने, अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटेन ने किस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक के सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया, तो स्टीफन हॉकिंग जो कि फिजिक्स के बहुत अच्छे लेक्चरर वैज्ञानिक माने जाते थे, उनकी सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया। नेक्स्ट है, 2019 को किस विषय के साथ विश्व किडनी दिवस 2019 मनाया गया, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम थी या जिसका विषय था किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यूएई में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 कहाँ में संपन्न हुआ, तो बांग्लादेश के तंगेल में हुआ था। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो राकेश मखीजा को नियुक्त किया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तमिलनाडु के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है, GI प्रदान किया, तो अपरदित हल्दी को इन्होंने टैग दिया। एक अभी कुछ टाइम पहले मयूर गुड़ जो कि एक जिसको भी एक टैग प्रदान किया था GI। अब बात आ रही है किसके, तमिलनाडु का एक प्रोडक्ट है, कौन सा, अपरदित हल्दी, जिसको भी भौगोलिक संकेत दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट, 15 मार्च 2019 को जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, भारत, तो सबसे पहला कौन है, सऊदी अरब। नेक्स्ट है, 2018 के व्यास सम्मान हेतु किसे चयनित किया गया, तो किया गया था लीलाधर जुगड़ी को, उनकी कविता जितने लोग उतने प्रेम के लिए, उनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है स्टूडेंट, कविता जितने लोग उतने प्रेम के लिए, उनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, 15 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने IPL स्पॉट फिक्सिंग केस में किस क्रिकेटर पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया, तो श्रीसंत के जो उन पर लगाया था आजीवन बैन था। नेक्स्ट है, विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, जिसका विषय था विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेटर से संन्यास लेने की घोषणा की, तो जेपी डुमनी ने लेने की घोषणा की थी। अच्छा नहीं है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 2019 को की गई घोषणा के अनुसार अंडर 70 महिला फीफा विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो करेगा भारत। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लेडीज यूरोपीय टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर कौन बन गई, दीक्षा डागर। कौन? दीक्षा डागर। LIC या जीवन बीमा निगम का निदेशक किसे चुना गया, तो MR कुमार को चुना गया। नेक्स्ट है, मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो थे गोवा के। किसके? गोवा के। आपको बताना है कि अब इनकी जगह किसको गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 मार्च 2019 को वर्ष 2019 के नोबेल शक्ति पुरस्कार हेतु किसे मनोनीत किया गया, तो किया गया था ग्रेटा थुनबर्ग को, जो कि स्वीडन की हैं। नेक्स्ट है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इंडियन वेल्स मास्टर 2019 का खिताब जीता, तो जीता बियांका एंड्रीस्कू ने जीता था। नेक्स्ट है, किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 6 आयोजित किया गया, तो भारत और श्रीलंका के बीच किया गया था मित्र शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, 19 मार्च 2019 को मनोहर पर्रिकर जो कि गोवा के मुख्यमंत्री थे, जिनका अचानक निधन हो गया, तो उसके बाद भाजपा के किस नेता को गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया था। नूर सुल्तान नजरबायेव ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, तो वो दिया था कजाकिस्तान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए गए, तो किया गया था न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को किया गया था। विशेष ओलंपिक विश्व खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 85 स्वर्ण पदक, कुल 368 पदक जीते थे, जिसमें से 85 क्या थे, गोल्ड मेडल थे। 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में प्रथम स्थान किसका है, सिंगापुर का। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 140वां स्थान मिला है, पहला फिनलैंड को मिला है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर क्या किया गया, नूर सुल्तान, जो कि वहां के प्रधानमंत्री थे, ठीक है स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, वहां के क्या थे, राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर 30 सालों तक उन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध चित्रकार का निधन हो गया, तो हाकू शाह का हो गया था। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा क्वेश्चन अब तक का, किस प्रसिद्ध चित्रकार का निधन हो गया था, हाकू शाह। तो पूछा जाएगा कि हाकू शाह का संबंध किस विषय से है, या किस मतलब आपने कह सकते हैं सब्जेक्ट से है। नेक्स्ट है, 2019 को किस देश की सरकार ने देश भर में असोल्ट राइफलों और सेमी ऑटोमेटिक बंदूकों को बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, तो न्यूजीलैंड ने लगाया। 21 मार्च 2019 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, तो वर्ष 2019 में इसका विषय क्या था, वन और शिक्षा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फोनपे ने 2019 को फोनपे ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो आमिर खान को। गूगल पे, आपको पता है कि फोनपे और गूगल पे है, तो फोनपे ने अपना नया अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, आमिर खान को। 22 मार्च 2019 को किसी को पीछे नहीं छोड़ना, लिविंग नो वन बिहाइंड विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व जल दिवस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी, तो गौरी सावंत को पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो क्रेन उहलेनबेक बनी है। कौन? क्रेन उहलेनबेक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2019 को टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया, तो किया गया था मार्सेलो ग्लिसर, जो कि ब्राजील की हैं, उन्हें नियुक्त किया गया था। 23 मार्च 2019 को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया, शहीद दिवस। इसी दिन आपको पता है कि फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। नेक्स्ट है, 23 मार्च 2019 को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया, तो मनाया गया था द सन द अर्थ एंड द वेदर। नेक्स्ट है, 23 मार्च 2019 को घोषणा अनुसार भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख कौन होंगे, तो होंगे वाइस एडमिरल करमबीर सिंह होंगे। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने, तो बने थे सुरेश रैना। कौन बने थे? सुरेश रैना। 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया, तो राजी को दिया गया। तो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 के तहत
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दिया गया था, जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर था वो था रणबीर सिंह संजू के लिए, और आलिया भट्ट बनी थी राजी के लिए। नेक्स्ट टाइम 24 मार्च 2019 को यही समय है, विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व टीवी दिवस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी दिवस आए उन सबको आप लिख लीजिए, उनकी थीम को भी लिख लीजिए। भारतीय वायुसेना ने किस हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है? तो चिनूक को शामिल कर लिया है। 25 मार्च 2019 को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के लिए नए कोच किसे नॉमिनेट किया गया है? तो बेसलिन मैटिक को किया गया है। 25 मार्च 2019 को अमेरिका द्वारा अब तक के सबसे तेज किस नाम से सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है, निर्णय लिया है? तो अरोरा के नाम से बनाने की किया है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट 25 मार्च 2019 को भारतीय नौसेना का अभेद्य प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रशिक्षण सुविधा केंद्र में शुरू किया गया? तो INS शिवाजी में किया गया था। विश्व की पांचवी सबसे ऊंची किस चोटी पर जाने वाली पहली भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाएगी? तो मकालू को की गई। नेक्स्ट है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 76वां स्थान मिला था, पहला स्वीडन था। किस देश द्वारा दुनिया का सबसे पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया? तो नॉर्वे द्वारा शुरू किया गया था। 2019 को किस देश द्वारा हिंदू तीर्थयात्री हेतु शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने की योजना को सहमति प्रदान की गई? तो पाकिस्तान द्वारा की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन था स्टूडेंट किस देश द्वारा हिंदू तीर्थयात्री हेतु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदू तीर्थयात्री हेतु शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने की योजना को सहमति प्रदान की गई? तो पाकिस्तान द्वारा। नेक्स्ट है, 27 मार्च 2019 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े प्रतिष्ठित बोडले मेडल से किसे सम्मानित किया गया? अमृता सेन को किया गया था। नेक्स्ट है, मोरक्को के साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया था शंभू एस कुमारन को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना संचालन का महानिदेशक किसे चुना गया? तो M.A. हम्पी होली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 27 मार्च 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टोमिस्लाव से सम्मानित किया? तो क्रोएशिया ने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मार्था फेरेल अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया था मनु गुलाटी को। किसको? मनु गुलाटी को। नेक्स्ट है, गोवा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? तो किया था मनोहर अंजगावरकर को, या अंजगावरकर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट, किस संसद ने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया? तो यूरोपीय संसद ने लगाया था। नेक्स्ट है, 2019 को प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र जोशी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, 2019 को SBI के बाद भारत की दूसरे सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय फर्म के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया? तो किया गया PFC को नियुक्त किया गया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 30 मार्च 2019 को बनाए गए अर्थ ओवर अभियान की थीम क्या रखी गई? तो जीने का तरीका बदलो, वो रखी गई। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, 30 मार्च 2019 को विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश का गांव ताशिंग या तशिंगंग बना है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा बूथ बना था इलेक्शन का। नेक्स्ट है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किससे मिला? तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को मिला। नेक्स्ट है, 30 मार्च 2019 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो राजस्थान ने मनाया। बेनिन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभय ठाकुर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 31 मार्च 2019 को PolicyX.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नॉमिनेट किया? तो क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को नियुक्त किया है। 2019 को किस देश के गुफा खोजकर्ता ने दुनिया की सबसे लंबी गुफा मोलहम की खोज की? तो इजराइल ने की है। नेक्स्ट है, 31 मार्च 2019 को इलेक्ट्रिक टैक्सी हेतु वायरलेस चार्जिंग सुविधा देने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन बना? ओस्लो बना है। नेक्स्ट है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलन शाह कप 2019 का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने भारत को हराकर जीता। ठीक है स्टूडेंट, और ये मलेशिया में हुआ था। ये थे स्टूडेंट हमारे मार्च मंथ के पूरे करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए, और उन सभी से शेयर कीजिए जो लास्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि अभी तक आप हमारे
टेलीग्राम चैनल D++ भी प्रिपरेशन से नहीं जुड़े तो जुड़ लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ सब इम्पोर्टेंट नोटिस बताए जाते हैं। धन्यवाद।